ओके दोस्तों नमस्ते। आज हम LP46 लाइट में हम टूल से कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो वीडियो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पहले प्रिंटर, ये LP46 लाइट प्रिंटर को ऑन कर लेना है। जैसे ऑन होने के बाद ग्रीन लाइट आएगा, यहाँ पे ग्रीन लाइट आने के बाद यहाँ पे टूल होता है डायग टूल करके, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे गेट स्टेटस करके है नीचे, यहाँ पे क्लिक करना है। रेडी करके दिखाएगा यहाँ पे, बाद में गेट पे क्लिक करना है। गेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके बता रहा है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रिंटर ऑफ करके, ऑफ होके ऑन होता है ऑटोमेटिकली, टाइम लगेगा, वेट करना है, ठीक है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में क्लिक करने के बाद प्रिंटर ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, अगेन ऑन होगा। उसके बाद गेट पे क्लिक करना है, गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीसेट फैक्ट्री करके है, रीसेट फैक्ट्री में क्लिक करने के बाद प्रिंटर ऑफ होके ऑन होता है ऑटोमेटिकली। बाद में गेट पे क्लिक करना है, गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैलिब्रेशन सेंसर करके रहेगा, कैलिब्रेट सेंसर पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैलिब्रेट पे क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे एम्प्टी स्टिकर निकलता है, देखिएगा प्रिंटर में। ओके, अभी कैलिब्रेशन हुआ है। टूल से कैसे कैलिब्रेट करते हैं ये वीडियो आपको बताया है। थैंक यू।